हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, वेक्टर अलजेब्रा के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चन हमने इसके पिछले वाले क्लास में कराया था, कुछ यहाँ पे देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग of the triangle having vertices at P 1, 3, 2, Q 2 minus 1, 1 and R minus 1, 2 and 3 -1, 2, and 3 using vector algebra। तो ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख लेंगे। हमें एरिया बताना है इस ट्रायंगल का जिसमें वर्टिसेस हैं P, Q और R। यानी कोई ट्रायंगल होगा जिसका वर्टिसेस P, Q, R है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लें। एक साइड ऐसे निकाल सकते हैं PQ, तो PQ को हम लोग क्या लिखेंगे, OQ माइनस OP। OQ को लिख सकते हैं 2I माइनस J प्लस K, और ये हो जाएगा माइनस I माइनस 3J माइनस 2K। तो 2I माइनस I, I माइनस 4J माइनस की। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा पी क्यू आर, तो हम लोग लिखेंगे हाफ पी क्यू इंटू, या इसे मॉड लगा सकते हैं क्यू आर। ये है फॉर्मूला, हाफ वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर क्यू आर। तो इस तरह से इसको निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए और उसके साथ साथ QR भी चाहिए। तो QR भी निकाल लेते हैं। QR इक्वल OR वेक्टर OR माइनस वेक्टर OQ। OR हो जाएगा माइनस I प्लस 2J प्लस 3K माइनस हो गया आपका ये 2I माइनस J, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस के, ये आएगा माइनस 3i प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो अब हमारे पास हो गया वेक्टर PQ एंड वेक्टर QR। तो हम लोग सिंपली इसी फार्मूले में रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हाफ और PQ क्रॉस QR। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, आई कैप माइनस 4j माइनस k कैप, क्रॉस होगा इसके साथ 3i माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो अब हमें केवल इसका क्रॉस कर लेना है। इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, हाफ
आई मीन्स आई कैप, जे कैप, के कैप हो जाएगा 1, माइनस 4, माइनस 1, देन माइनस 3, 3 और 2. तो ये फिलहाल इस क्रॉस के लिए हम डिटरमिनेंट कर रहे हैं, मॉड इसका हम लोग बाद में निकालेंगे. तो फिलहाल के लिए इस मॉड को छोड़ देते हैं, फिलहाल इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, इस मॉड को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. तो चाहते तो सिंपली केवल पहले हमें ये निकालना चाहिए था, बाद में हम इसको मॉड करके एरिया निकाल लेते. तो इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे. तो इसका कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई कठिन चीज़ नहीं है. इसका आंसर आएगा माइनस 5i प्लस जे, माइनस 5i के प्लस जे कैप, माइनस 9k कैप. तो ये वैल्यू है हाफ पी क्यू क्रॉस क्यू आर. इस हाफ के जगह हाफ लिख लेते हैं. तो जो डिटरमिनेंट वाली वैल्यू है, यानी सिर्फ सिंपली पी क्यू इंटू क्यू आर अगर निकालेंगे, पी क्यू क्रॉस क्यू आर, वो वैल्यू आएगी इतनी. यानी जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाली वैल्यू. अब इसके बाद हम इसका मॉड निकाल लेंगे. सो एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ पी क्यू क्रॉस. तो शुरू से हम लोग मॉड नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, ये तो फॉर्मूले जैसा था. स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको फाइंड करेंगे हाफ पी क्यू क्रॉस क्यू आर. अब इसका मॉड कर लेते हैं, हाफ मॉड सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगा. सो 5i कैप माइनस 5i कैप प्लस जे कैप माइनस 9k कैप. ये आएगा हाफ अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर. तो ये मिलेगा हाफ 25, 1 एंड 81. सो हाफ 26, तो 19, 107. तो 5.172 इसका आंसर है. इसको सॉल्व कर लेंगे रूट को, तो ये आएगा, ये करीब 10 के अबाउट आएगा. 100 का होता है स्क्वायर रूट 10, 107 10 पॉइंट समथिंग होगा. तो ये 1/2 और ये होगा 5 point something. 1 मिनट, ये होगा 10.14 और इसको हो जाएगा 5.07. सो इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा एग्जैक्टली 107 का स्क्वायर रूट. तो इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं. अगर हमें वर्टिसेस गिवन हो पी क्यू आर के टर्म में, तो हम लोग सबसे पहले पी क्यू को फाइंड करेंगे, देन क्यू आर फाइंड करेंगे, और हाफ पी क्यू इंटू क्यू आर जो ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट, उसी तरह से पी क्यू इंटू क्यू आर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट प्रूव दैट फॉर फोर पॉइंट्स और वो पॉइंट्स हैं, फोर पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप,
नेक्स्ट है माइनस थ्री आई कैप प्लस एट जे कैप माइनस फाइव के कैप एंड माइनस थ्री आई प्लस टू जे प्लस के कैप आर कोप्लेनर। तो एक कोप्लेनर के ऊपर क्वेश्चन हमने पहली क्लास में भी किया था और यहाँ भी हमें कोप्लेनर बताना है। तो वहाँ पे जो था वहाँ तीन वेक्टर दिए गए थे ए बी सी और उन्हें कोप्लेनर दिखाना था। तो हमें पता है कि कोप्लेनर की कंडीशन क्या है, किसी भी वेक्टर्स के कोप्लेनर होने का कंडीशन होता है। अगर मान लीजिए थ्री वेक्टर हैं अपने पास, थ्री वेक्टर के लिए कोप्लेनर की कंडीशन है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई थ्री गिवन वेक्टर्स हो तो उनका ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ फोर वेक्टर्स गिवन हैं, यानी एक तरह से ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये डायरेक्ट वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है। यानी ये वाला वेक्टर ओ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओ सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और नेक्स्ट ये ओ डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हमें गिवन है ओ ए इक्वल टू माइनस आई प्लस फोर जे माइनस थ्री के। उसी तरह से ओ बी का वैल्यू है थ्री आई प्लस टू जे माइनस फाइव के। ओ सी है आपका माइनस थ्री आई माइनस एट जे माइनस 5k और OD है माइनस 3i प्लस 2j और प्लस। तो इसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं जैसे वेक्टर AB एंड देन इन दोनों को यूज करके OB और OC को यूज करके हम लोग BC फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद OC और OD को यूज करके हम लोग CD फाइंड कर सकते हैं। तो AB, BC, CD जब हमें मिल जाएगा तो इस तरह का तीन वेक्टर मिल जाएगा, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर और ये भी एक वेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग इस तरह से पोजीशन वेक्टर में वेक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद देन हम लोग इसके हिसाब से फाइंड करेंगे वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर सी डी इक्वल टू ज़ीरो। अब जो कोप्लेनर की कंडीशन है वो ये है, कोप्लेनर की कंडीशन ये हमें लानी है। तो सबसे पहले ए बी बी सी और सी डी। सो ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए क्या होगा, थ्री माइनस टू वन, थ्री माइनस वन टू आई, टू माइनस फोर माइनस टू जे, माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू के। सिमिलरली बी सी करेंगे ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, माइनस थ्री आई माइनस थ्री आई, माइनस सिक्स आई माइनस एट माइनस टू माइनस टेन जे एंड देन माइनस फाइव प्लस फाइव, ये हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो। सी डी को लिख सकते हैं वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर सी ओ सी। तो थ्री आई प्लस थ्री जे आई, थ्री आई और ये माइनस साइन है तो प्लस ज़ीरो, यानी 2i माइनस तो प्लस हो जाएगा 10j, i का कोएफिशिएंट 0 है और ये हो गया प्लस 10k। तो हमें ये तीनों वेक्टर मिल गए, एक तो ये है दूसरा और तीसरा ये। यहाँ पे i का कोएफिशिएंट 0 है इसलिए वहाँ पे i नहीं है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस करना होगा उसी डिटर्मिनेंट के मेथड से क्रॉस, और उसके बाद इसके साथ डॉट करेंगे। अगर ज़ीरो आता है तो बोलेंगे कि ये जो चारों गिवन वेक्टर्स हैं जिनका पोजीशन वेक्टर ये था, चारों पॉइंट्स जिनका पोजीशन वेक्टर ये था, ये कोप्लेनर यानी सेम प्लेन में है। कोप्लेनर से मतलब होता है कि वो वेक्टर सेम प्लेन में है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं सबसे पहले बी सी क्रॉस सी डी। तो बी सी है
सीधे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में लिखते हैं आई जे के बी सी ए माइनस सिक्स माइनस टेन, यहाँ ये ज़ीरो है, यहाँ पे आई वाला कोएफिशिएंट ज़ीरो, टेन और टेन, माइनस हंड्रेड ज़ीरो प्लस जे कैप, नॉर्मल कैलकुलेशन है, अपने से भी किया जा सकता है, तो प्लस सिक्सटी माइनस सिक्सटी हो जाएगा, तो अगर हम लोग प्लस यूज करते हैं तो इधर से क्रॉस करेंगे, हमने यहाँ प्लस साइन यूज किया है जो हमारा माइनस सिक्सटी आई थिंक यहाँ प्लस सिक्सटी होना चाहिए, प्लस सिक्सटी ठीक है। तो जो भी हो नॉर्मल कैलकुलेशन है ये, तो जे के लिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस लाइन को छोड़ेंगे, तो दिस माइनस दिस ये प्लस होगा, प्लस के माइनस सिक्सटी माइनस सिक्सटी, तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये हो जाएगा माइनस हंड्रेड आई प्लस सिक्सटी जे माइनस सिक्सटी के। अब इसको हम लोग डॉट कराएंगे ए बी के साथ, ए बी हमारा क्या है टू आई माइनस टू जे और टू के, दो सौ एंड टू, आई थिंक समथिंग मिस्टेक, तो आप कैलकुलेशन को चेक कर लेना, कहीं पे मिस्टेक है लग रहा है, डॉट से ज़ीरो आ नहीं रहा है। ये मेथड्स यही है, हमें ए बी बी सी और सी ए तीनों, ए बी बी सी और सी डी तीनों फाइंड करना है, और इसका डॉट हम लगाएंगे तीसरे वाले के साथ तो वो ज़ीरो आना चाहिए। तो कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, आई थिंक फोर आई माइनस टू जे माइनस टू के, तो यहाँ पे माइनस छूट गया है, यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस है, तो ओवरऑल कैलकुलेशन सेम है ये, फिर हमारा 4i आ जाएगा, 4i 3 माइनस आई, तो दिस इज 4i 4i, तो 4 120 400। तो कैलकुलेशंस में ये प्रॉब्लम करेगा फिर, क्योंकि हमने यहाँ पे ए बी और डॉट सी, तो आप कर सकते हो इसको, बस मेथड ये है कि हमें इस चीज़ को फाइंड करना है और ये ज़ीरो आना चाहिए, तो समथिंग रॉन्ग इन देयर कैलकुलेशन, एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं फिर, लगभग इस सेक्शन से वेक्टर अलजेब्रा से लगभग इम्पोर्टेंट चीज़ें जो वेक्टर से रिलेटेड थी वो ख़त्म होंगे। If the sum of three vectors is a zero, sum of three vectors is a zero, then the scalar triple product, then the scalar triple product, scalar triple product, या बल्कि ऐसे लिख सकते हैं, then their scalar triple product, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी, देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो या इज़ अ ज़ीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर होगा,
हमें ये प्रूव करना है कि अगर सम किसी भी थ्री वेक्टर का सम अगर ज़ीरो हो, मीन्स ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू अगर ज़ीरो है, देन देयर इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और हम जानते हैं कि तीन वेक्टरों के केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी से दिखा सकते हैं, तो ये भी ज़ीरो होगा। ये हमें शो करना है कि अगर इन तीनों का सम ज़ीरो हो तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा, यही हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, तो हमें पता है इसका जो मान होता है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड सी एक्स सी वाई और सी जेड सी एक्स सी वाई और सी जेड। तो सबसे पहले तो हम इसके कंपोनेंट लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जो एक चीज़ गिवन है पहले इसका इस्तेमाल करते हैं इसका। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल माइनस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको अगर कंपोनेंट में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के इक्वल में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो माइनस ये बी हो गया प्लस सी सी एक्स आई सी वाई जे और सी जेड के। अब अगर हम आई वाले कोफिशिएंट को एक साथ लिख लें और जे एक साथ और के एक साथ, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ बी एक्स एंड देन सी एक्स दोनों एक साथ आई कैप प्लस माइनस ऑफ बी वाई माइनस ऑफ सी वाई जे कैप। हम क्या कर रहे हैं, माइनस को अंदर ले रहे हैं और बाहर से प्लस है, एंड देन प्लस माइनस बी जेड माइनस सी जेड के कैप माइनस सी जेड के कैप। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें इसको और इस तीनों को, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे ए एक्स है, तो ए एक्स को हम लिख सकते हैं इतना, यानी ए एक्स इक्वल टू माइनस बी एक्स ए एक्स इक्वल माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स ए वाई इक्वल माइनस बी वाई माइनस सी वाई एंड ए जेड इक्वल टू माइनस बी जेड माइनस सी जेड। ठीक है, हम ओनली आई जे के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड से, दोनों साइड से। तो हम ए एक्स को माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स ले सकते हैं, ए वाई को माइनस बी वाई माइनस सी वाई और ए जेड को माइनस बी जेड सी जेड। तो इसी तीनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ए एक्स ए वाई और ए जेड की जगह पे। तो देखते हैं वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल, तो ए एक्स के प्लेस पे लिख सकते हैं माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स एंड नेक्स्ट है माइनस बी वाई माइनस सी वाई एंड देन माइनस बी जेड माइनस सी जेड ए जेड का वैल्यू बी जेड और सी जेड। यहाँ पे क्या है, सिंपली बी एक्स बी वाई और बी जेड सी एक्स सी वाई और सी जेड। हमें यही शो करके दिखाना है कि इसके वैल्यू ज़ीरो आएगी, तो ये दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ज़ीरो। तो इसको अगर हम सेपरेट करें डिटर्मिनेंट को तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी एक्स माइनस बी वाई माइनस बी जेड। ये इसके फर्स्ट टर्म को एक साथ लिख रहे हैं और दूसरे वाले टर्म को अलग से, यहाँ पे माइनस सी एक्स माइनस सी वाई माइनस सी जेड
बाकी सेम है, बी एक्स बी वाई और बी एक्स बी वाई और बी जेड ठीक है, बी वाई और बी जेड, और ये हो जाएगा सी एक्स सी वाई सी जेड। यहाँ भी बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई और सी जेड। यहाँ से हम चाहें तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में अगर दो रो सेम हो, यहाँ भी वही है, माइनस अगर हम बाहर निकाल लें, यहाँ भी दो रो सेम है, यानी दोनों की वैल्यू आने वाली है ज़ीरो। सो दिस इक्वल टू ज़ीरो, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी का मान हो रहा है ज़ीरो। ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ज़ीरो, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो, विल बी ज़ीरो। सो इस तरीके से डायरेक्ट दिखा सकते हैं, या तो फिर अलग मेथड है जो लॉन्ग होता, पहले हम लोग बी क्रॉस सी करते, यानी इसके कंपोनेंट को एक साथ लेंगे एंड देन बीच में कहीं पे इस चीज़ को यूज करते, इसी को ए एक्स इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स, ए वाई इक्वल बी वाई माइनस सी वाई और ए जेड इक्वल टू माइनस बी जेड सी जेड। उस प्रोसेस में बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि इसका क्रॉस करेंगे, डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करते, उसके बाद फिर ए के साथ डॉट करना था, और डॉट करने के बाद फिर जहाँ जहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड आता वहाँ पर हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो उस हिसाब से बहुत टफ हो जाता फिर। तो ये था फिलहाल आज की इस वीडियो में, और वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड, जो वेक्टर से रिलेटेड था, ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट से लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं दो क्लास में मिला के। आगे से हम लोग वेक्टर कैलकुलस के बारे में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।